Hello friends, welcome back to my channel. Name of the channel is Sweetie Sharma. Last video में आप लोगों के लिए हमने एक video भेजा HSSC में English language के किस pattern पर question आप लोगों को देखने हैं, कैसे कैसे आपको वहां से questions tackle करने हैं, किस parameter पर आपको study करना है. Hopefully आप लोगों ने वो video देख लिया है. और अगर आप देख रहे हैं हमारा channel first time पे video, तो आप channel को subscribe करना मत भूलिएगा. साथ ही साथ जो भी आपको वीडियोस चाहिए, आप वीडियोस के कंप्लीट जो एक सेशन होता है उसमें जाकर चेक करो, आपको फर्स्ट टू एंड तक सारे वीडियोस उसमें मिलेंगे. चाहे वो वन वर्ड्स का आप ढूंढ रहे, चाहे वो कैबुलरी का, चाहे किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन या उसका एग्जाम पैटर्न, वो आपको वहां पर जरूर मिल जाएगा. क्लियर है? आज का जैसे कि आप सेशन हमारा देख रहे हैं, हमने लिखा है फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब बेसिकली वो वर्ब होता है जिसे हम कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन होगा दो चीजों का. अब वो कॉम्बिनेशन हो सकता है या तो एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन का. किस किस का कॉम्बिनेशन? या तो एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन, और या फिर एक वर्ब और एक एडवर्ब का. अब वर्ब और प्रेपोजिशन का जैसे हम बोलते हैं एड ऑन, एड अप, एड इन, आस्क फॉर, आस्क अबाउट, दीज आर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन. ठीक है? लेकिन जैसे हम कहें डिस्क्राइब अबाउट, डिस्क्राइब क्या हो गया वर्ब और अबाउट क्या हो गया प्रेपोजिशन. बट हर वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन फिक्स होकर एक फ्रेजल वर्ब बनेगा, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं जो आपको कंप्लीट जॉइन करके मीनिंग प्रोवाइड करेगी. ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ब के साथ आप कोई भी प्रेपोजिशन लगा दो और उसको बोलना शुरू कर दो कि एक फ्रेजल वर्ब है, ऐसा नहीं है. कुछ लिमिटेड ऐसी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो वर्ब और एक प्रेपोजिशन का ग्रुप रहेगा, या फिर एक वर्ब और एक एडवर्ब का ग्रुप रहेगा जो आपको मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड करेगा. इज इट क्लियर? तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कुछ फ्रेजल वर्ब का वो हिस्सा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट किया हमने अल्फाबेट ए से. कोशिश रहेगी हम लास्ट जो जेड हमारा होता है वहां तक हम कोशिश करें, डे बाय डे हम इंप्रूव करते जाएं, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम एडमिट कार्ड अनाउंस हो चुका है. आपने अगर नहीं निकाला है तो आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा. वैकेंसीज अभी चली रही हैं, एनवीएस की वैकेंसी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वैकेंसीज हैं, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा. जैसा भी आपको जो भी लगे तो आप उसमें फुलफिल कर सकते हो. क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जो कि हम पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्जाम. क्यों? क्योंकि यहां से कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है. क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमने लिखा है फ्रेजल वर्ब यहां पर एड अप. अब एड क्या है? दिस इज अ वर्ब. एंड अप क्या है? दिस इज अ प्रपोजिशन. अब जब कभी भी एड वर्ब के साथ आप अप प्रपोजिशन का यूज करेंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा? एड अप. एड अप का मीनिंग होता है टू मेक सेंस. टू मेक सेंस क्या बनाना? सेंस बनाना, एक मीनिंग हमें प्रोवाइड कराना. क्लियर है? ये किसका मीनिंग होगा? एड अप. अब ध्यान रखना, क्योंकि एड एक वर्ब है और एक वर्ब की हमें पता है कितनी फॉर्म होती है? पांच. अब चाहे एड अपनी पांचों में से किसी भी फॉर्म में हो, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव, और उसके साथ अगर किसी भी फॉर्म में आपका यूज है तो वो मीनिंग हमेशा किसका देगा? टू मेक सेंस का. इज इट क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. एंड द नेक्स्ट वन इज आंसर फोर. क्या मतलब है आंसर फोर? आंसर फोर का मतलब होता है किसी चीज के लिए जिम्मेवार होना, ये उसका मीनिंग रहेगा. क्या हम बोलेंगे? टू बी आंसरेबल समथिंग और समबडी, या फिर फोर. किसी भी चीज के लिए आंसरेबल होना, किसी भी गलत एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होना, दिस इज आंसर फोर. सेम, आंसर इज अ वर्ब, फोर इज अ प्रेपोजिशन, दोनों को कंबाइन कर दिया तो एक मीनिंगफुल सेंस आपके पास आ गई. वो क्या बन गया? दिस इज फ्रेजल वर्ब. नेक्स्ट हमने लिखा आस्क आफ्टर. क्या लिखा है? आस्क आफ्टर. अब सेम, आस्क वर्ब है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, लेकिन मीनिंग क्या देगा? टू इंक्वायर अबाउट.
किसी चीज के बारे में पूछताछ करना, कुछ भी पूछना। हो सकता है आप किसी से किसी की इंक्वायरी कर रहे हो सकता है आप जनरली किसी से पूछ रहे हो कि वो कहां रह रहा है, क्या कर रहा है, कैसा है, तो क्या होगा, दिस इज आस्क आफ्टर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमने लिखा अटेंड ऑन। क्या लिखा है? अटेंड ऑन, सेम, अटेंड इज अ वर्ब, ऑन इज अ प्रीपोजिशन। मीनिंग क्या होगा? टू सर्व, मतलब किसी की सेवा करना। ठीक है, जैसे आपके घर पे कोई आता है तो हम उसको अटेंड करते हैं, अटेंड ऑन, आई एम अटेंडिंग ऑन माय गेस्ट्स, मैं अपने गेस्ट्स को सर्व कर रहा हूं या उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूं या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने लिखा बैक ऑफ। अगेन बैक इज अ वर्ब, ऑफ इज अ, ऑफ इज अ प्रपोजिशन। ठीक है, बताइए बैक ऑफ। हाँ, ये हो सकता है कॉम्बिनेशन एडवर्ब और प्रपोजिशन का भी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बैक क्या है, वर्ब भी है एडवर्ब भी है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑफ। बैक ऑफ का मतलब, यस, टू चूज नॉट टू टेक एन एक्शन। मतलब एक ऐसा रास्ता चुनना जिसपे आप कोई आगे कदम नहीं उठाना चाहते हो। मतलब आपको नजर आया कि मुश्किल मेरे सामने है, उससे बचने के लिए हम कोई कदम ना उठाएं, दिस इज कॉल्ड बैक ऑफ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमने लिखा बैकअप। बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट। बैकअप मतलब टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना, सहारा देना। नेक्स्ट हमने लिखा बैंक अपॉन। क्या लिखा है? बैंक अपॉन। अब बैंक के ऊपर हम क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, तो मीनिंग रहेगा टू रिले, टू रिले, आर ई एल वाई, रिले का मतलब होता है किसी का सहारा बनना, किसी पर निर्भर होना, किसी पर आश्रित होना, टू रिले ऑन। ठीक है, दिस इज मीन्स निर्भर होना, एडिक्शन होना, आश्रित हो जाना किसी पर। नेक्स्ट हमने लिखा बियर आउट। क्या लिखा है? बियर। बियर मतलब एक वर्ब और आउट मतलब एक प्रपोजिशन। अब जब दोनों कंबाइन हो गए, दिस इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। तो बियर आउट का मतलब क्या होता है? टू कंफर्म द ट्रूथ, सच्चाई को कंफर्म करना, दिस इज बियर आउट। लास्ट हमारा इस रो का है बिकम ऑफ, और बिकम ऑफ का मतलब टू happen, घटित होना, to happen मतलब वो चीज हो जाना। ठीक है, अब ये था आपका फर्स्ट लाइन का जो हमने लिखे हैं phrasal verbs and the most important cases, आपको लर्न करना होगा। धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिखेंगे, करीबन एक वीडियो में 15 से 20, उतना तो आप याद ही कर ही सकते हो। नेक्स्ट डे आपको कुछ और मिल जाएगा, लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, जो भी आपको चाहे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताइए या फिर कुछ और इसमें एड ऑन करके बताइए, वो आप लोग बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। वीडियो जैसा भी लगे लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्लियर है? और इतना सपोर्ट आप हमें कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर रहे हैं डे बाय डे, उसके लिए भी थैंक्स अलॉट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे हमारा लिखा है फर्स्ट ब्रेक डाउन। ये तो अक्सर आप लोगों ने बसेस पर लिखा हुआ देखा है ब्रेक डाउन, मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है क्या? टू स्टॉप वर्किंग। क्या होता है? टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी टेक्निकल फॉल्ट, अक्सर ये व्हीकल्स में हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक डाउन, मतलब किसी चीज काम करना बंद कर देना। नेक्स्ट लिखा है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होगा टू एंड अ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप का एंड हो जाना, खत्म हो जाना। नेक्स्ट हमने लिखा ब्रेक आउट। ब्रेक हुआ, आउट हो गया, क्या मतलब हुआ? ब्रेक होकर आउट हो गया मतलब टू स्टार्ट, किसी चीज को स्टार्ट करना, शुरुआत देना, बिगनिंग करना, या टू बिगिन आप कह सकते हो। ब्रेकअप, ये तो पता होगा, ब्रेकअप अक्सर होते हैं लोगों के, कहते हैं ब्रेकअप पार्टी हमने की है, तो वो क्या होता है ब्रेकअप? मतलब टू एंड, या फिर टू सेपरेट, टू एंड और टू सेपरेट।
क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने लिखा है ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग एक वर्ब अबाउट एक प्रेपोजिशन, दोनों कंबाइन हो गई तो क्या बन गई फ्रेजल वर्ब। तो क्या मीनिंग होगा ब्रिंग अबाउट का, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, किस कुछ भी अगर एक्टिविटी हुई तो उसके होने का कारण बनना, टू कॉज टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण बनना। नेक्स्ट मैंने लिखा ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन मतलब किसी चीज का कम हो जाना, इट मींस टू रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, तो मतलब टू रेज, ठीक है। ब्रिंग डाउन मतलब डाउन में जाना, अप मतलब अपवर्ड होना। नेक्स्ट हमने लिखा कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब टू डिमांड, कॉल फॉर मतलब टू डिमांड, या फिर कह सकते हो किसी भी डिमांड के लिए कोई भी आप आंसर दें या फिर एक्सप्लेनेशन, टू आंसर या टू एक्सप्लेन या टू किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन आप प्रोवाइड करें। कॉल ऑफ एन इवेंट, कॉल ऑफ एन इवेंट किसी भी चीज का कैंसिल हो जाना या फिर टू अबेंडन, ये सब क्या रहेगा उसका मीनिंग, क्लियर। और यहां पर लिख लीजिएगा ये एडवर्ब और प्रेपोजिशन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने कंप्लीट किया है फ्रेजल वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। ये आप लोगों को करना होगा डे बाय डे रिकॉल, ताकि एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप लोग उसको अच्छे से टैकल कर पाएं, उसको सॉल्व कर पाएं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही एमटीएस का एग्जाम है, अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ एनवीएस का सितंबर में डेट अनाउंस है ही, 5 से 10 सितंबर को एग्जाम है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो चीजों को हमें कवर अप करना है ताकि हमारे एग्जाम अच्छे से हो और हम सिलेक्शन ले पाए, क्लियर है। वीडियो जैसा भी लगे एक वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कड़कती भड़कती चीजों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।